अलैकुम, मैं हूँ सना और आप देख रहे हैं जेम्स एकेडमी जोन। और आज हम फैक्टराइजेशन का पार्ट टू स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर थ्री हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, यानी दो पार्ट वन में हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ये पार्ट टू में भी हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल वैसा ही है जो हमने पार्ट वन में किया था, रिजॉल्व इंटू फैक्टर्स। वहाँ पर एक्स वाई की फॉर्म में, एक्स वाई जेड की फॉर्म में दिया हुआ था, आर एस टी की फॉर्म में दिया था, यानी उसके जो वेरिएबल्स थे वो एक्स वाई जेड थे, आर एस टी थे। और यहाँ पर जो है ए बी सी के फॉर्म में आ गया है और ये हमारे पास 2013, 2016 और 2017 तीनों ईयर्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देख लेते हैं इसे किस तरह से सॉल्व करना है। ये मैंने क्वेश्चन ऐसे ही लिख दिया है। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करवाना है। ए स्क्वायर को पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी स्क्वायर को इस ब्रैकेट से, और सी स्क्वायर को पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाया हमने। ए स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर ए और प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर बी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आती होगी। फिर मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट टर्म होगी, जो फर्स्ट हमारे पास नंबर होगा, उसे हम एज इट इज नीचे लिख देंगे। ए स्क्वायर बी दिया हुआ है, इसे हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम देखेंगे इसमें कौन से वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, ए और बी। अब हमें इस पूरी एक्सप्रेशन में फाइंड आउट करना है कि ये ए बी और कहाँ यूज हो रहे हैं एक साथ। ये ए सी है, ये बी सी है, यहाँ पर देखें बी और ए बी या बी और ए एक साथ यहाँ आ रहे हैं, तो माइनस बी स्क्वायर ए की वैल्यू को उठा के हम यहाँ लिख देंगे इसके साथ। बाकी पूरी एक्सप्रेशन ऐसे ही लिखेंगे, ये एज इट इज हमने कॉपी कर लिया, इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कॉमन लिया, ए बी इसमें से कॉमन ले लिया, यहाँ पर ए बच गया, माइनस का साइन, फिर बी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हमने सी कॉमन ले लिया, माइनस सी। अब देखें यहाँ पर प्लस का ए स्क्वायर कैसे आता है, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह यहाँ से हमने सी स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पर बच गया ए माइनस बी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ए माइनस बी और ए माइनस बी दोनों तरफ कॉमन है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है जो बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। ये हमने यहाँ पर ओपन कर दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब आप देखें ए माइनस बी तीनों में कॉमन आ रहा है, वो हमने कॉमन ले लिया, ए बी माइनस सी और ए प्लस बी यहाँ पर बचा, प्लस सी स्क्वायर। अब सी को माइनस सी को मल्टीप्लाई करवा देंगे इससे, इस ब्रैकेट से, माइनस सी ए माइनस प्लस माइनस सी बी। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया हमने ए, तो यहाँ पर बच गया बी माइनस सी, और यहाँ पर से हमने कॉमन ले लिया माइनस सी, तो ये क्या बच गया, माइनस माइनस प्लस बी माइनस प्लस माइनस सी। ठीक है, बी माइनस सी और बी माइनस सी दोनों में कॉमन है, वो हमने यहाँ ले लिया, ए माइनस सी यहाँ पर आ गया। अब आप देख सकते हैं ए माइनस बी, इसको अरेंज करके हमने लिख दिया, ए माइनस बी, बी माइनस सी और ए माइनस सी, ये इसका आंसर है। ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, ये हमें सम फॉर्म में दिया हुआ था, हमने इसको प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करना था क्योंकि फैक्टर्स जो है वो मल्टीप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में भी सेम वैसे ही रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, और ये हमें एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है। अब ये थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी क्योंकि इसके अंदर जो है नंबर्स ऐड हो गए हैं। पहले तो हमारे पास सिर्फ वेरिएबल्स के थ्रू थी, अब इसके अंदर कोफिशंट्स भी लग गए, तो इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से होगा। और ये 2015 में क्वेश्चन नंबर सिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो हमने यहाँ पर कॉपी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 4 3 12, देखिए 4 3 12 ए स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस 4 4 16 ए स्क्वायर सी प्लस 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 9 4 36 बी स्क्वायर सी। इनके वेरिएबल्स लिख दिए, बी स्क्वायर के साथ था, सी इसके साथ था। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस 9 2 18 फिर बी स्क्वायर और ए। इसी तरीके से प्लस 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 16 2 32 सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर ए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 16 3 48 सी स्क्वायर बी, सी स्क्वायर इसका और बी इसका। ठीक है, ये तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट हमारे पास टर्म होती है उसको हम एज इट इज नीचे कॉपी कर लेते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स यूज होते हैं। इसमें देखें ए स्क्वायर बी यूज हो रहा है। अब हम देखेंगे ए स्क्वायर बी या ए बी जो है वो कहाँ एक साथ आ रहे हैं। ये ए सी साथ आ रहा है, ये बी सी साथ आ रहा है, ये देखें ए और बी ये दोनों एक साथ यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस टर्म को उठाकर हमने
इसके साथ लिख दिया, बाकी सारी चीजें हम यूं ही कॉपी कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक ये स्टेप कंप्लीट हो गया। देखें अब इसमें हमें कॉमन लेना है। ठीक है, अब हम कोई ऐसा नंबर लेंगे कॉमन जिसके नंबर्स इस तरह से आए कि इसमें टू कॉमन ले लिया अगर हमने, तो 2 6 12 होता है, 2 6 12, यहाँ पर 6 आ जाता है, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता। तो हमें कोई ऐसा नंबर लिखना है जो बड़ा हो, तो 6 के टेबल में 2 से आता है, 6 2 12, तो 6 ए बी कॉमन निकल रहा है, ए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ए बी तो हमने वैसे ही कॉमन निकाल लिया। अब नंबर्स में कॉमन किस तरीके से लिया, 6 ले लिया, 6 2 12, ठीक है, 2a प्लस माइनस माइनस, 6 के टेबल में 18 कब आता है, 6 3 18, 3b आ गया। इसी तरीके से माइनस का साइन लगाया हमने। अब देखिए अब हमें ये टर्म मिल गई 2a माइनस 3b। जब हमें फर्स्ट एक ये वाला मिल जाता है ना ब्रैकेट, तो हमें पता है ये ब्रैकेट जो है यहाँ पर भी सेम होता है और बीच में सेम नहीं आता, लेकिन इन दोनों टर्म्स में सेम होता है, ठीक है ना। लेकिन हमें बाद में जो है नेक्स्ट स्टेप में जाकर जब हम इन दोनों का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं, तो यही चीज़ आती है। देखें 2a माइनस 3b, 2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर, तो इसमें कॉमन भी इसी तरीके से लेना है। 4c हमने लिया है कॉमन, क्यों लिया है, क्योंकि 2a यहाँ पर बन जाएगा 2 का स्क्वायर a, इसलिए हमने 4 कॉमन ले लिया। 4 के टेबल में कैसा आता है, 4 4 16, ए स्क्वायर, यहाँ से सी कॉमन ले लिया। माइनस प्लस माइनस, 4 के टेबल में 36 कब आता है, 9 से, 9b² लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर देखें प्लस का साइन लगाया, और अगर हम देखें यूं कर लें कि यहाँ से मैं ये इरेज कर देती हूँ, ये चीज़ आपको पता है ये फैक्टर जो है यहाँ पर कॉमन होता है थर्ड फैक्टर में। मैंने पहले सारे क्वेश्चंस में बताया था कि जो फर्स्ट टर्म होती है और ये जो थर्ड टर्म होती है, इसमें ये जो फैक्टर ये दिया हुआ होता है ना, ये दोनों जगह सेम होता है, तो हमने ये उठा के यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम इससे यहाँ की वैल्यू निकाल लेते हैं। इन दोनों में ये वेरिएबल्स में तो आप सामने देख रहे हैं कि सी स्क्वायर कॉमन है, तो सी स्क्वायर तो हमने यूं ही लिख दिया कि कॉमन है ये। अब देखें 2 के टेबल में 32 कब आता है, 2 के टेबल में 32 हमारे पास आता है 16 से, तो यहाँ पर हमारे पास 16 आ गया इस तरह से। ये आसान तरीका है निकालने का, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 के टेबल में 32 2 से आया, प्लस माइनस माइनस का, 16 के टेबल में 48 कब आता है, 3 से आता है, 16 3 जा 48, तो ये इस तरह से निकाल लिया, ये आसानी से निकाल लिया। ये जो नंबर है ना, ये निकालने में प्रॉब्लम होगी आपको, तो आप क्या कीजिएगा कि इस फैक्टर को उठा के यहाँ लिख दीजिएगा, और फिर देखिएगा कि ये जो नंबर आ रहा है वो उसके टेबल में कब आता है, 2 के टेबल में 32 कब आता है, 16 से आता है, वो यहाँ पर आपने लिख लिया सिंपल। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये हमने एज इट इज कॉपी कर लिया, यहाँ पर देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुलता है। अब ए स्क्वायर को हम यूँ लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है ना, 2 2 ज़ा 4, तो 2a का होल स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3b का होल स्क्वायर, इसके ऊपर फॉर्मूला खुल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम a ले लेंगे और ये b हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर खुल जाएगा। अब आप देखें तीनों तीनों फैक्टर्स तीनों टर्म्स में जो है ये सेम आ रहा है, 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b और 2a माइनस 3b, ये हमने कॉमन निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, 6ab यहाँ पर बच गया, माइनस 4c, 2a प्लस 3b यहाँ पर बच गया, और यहाँ से 16c² यहाँ पर आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, ये एज इट इज लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, ये माइनस 4c इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इस ब्रैकेट से, माइनस प्लस माइनस, 4 2 ज़ा 8 ac, माइनस प्लस माइनस, 4 3 ज़ा 12 bc, बी इसका और सी इसका। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन हमने क्या लिया, 2a कॉमन ले लिया, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 से, 2 3 ज़ा 6, 3b बच गया, फिर माइनस का साइन, 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 से आता है, 2 4 ज़ा 8, तो 4c बच गया यहाँ पर, माइनस का साइन लगाया। अब आपको ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि हम यहाँ क्या लें, किस तरीके से करें। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अब आपको पता है कि जो फैक्टर यहाँ पर आ रहा है वही यहाँ पर आएगा, तो हमने इसे कॉपी कर लिया, 3b माइनस 4c, ठीक है,
ये फैक्टर हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम ये चेक कर लें कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा। पहले तो हमने देख लिया कि यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, सी आ रहा है कॉमन, ये लिख दिया। थ्री के टेबल में ट्वेल्व कब आता है, थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व, तो यहाँ पर आ गया फोर सी, ठीक है, फोर फोर ज़ार सिक्सटीन सी। फिर हमने थ्री थ्री बी माइनस फोर सी कॉमन ले लिया और टू ए माइनस फोर सी यहाँ पर बच गया, तो ये तीनों फैक्टर्स आ गए, ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी हो, सो यू कैन आस्क मी बाय कमेंट्स, ओके, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।